get on together. स्वागत है, मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। सलमान को देखने पर पड़ी लाठियाँ। ईद के मौके पर सलमान की एक झलक पाने के लिए इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद थे कि वहां ट्रैफिक पर असर पड़ रहा था। ट्रैफिक के चलते पुलिस वालों को भीड़ को काबू करने के लिए हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। सोनम ने कहा, आनंद मेरे पति नहीं। सोनम शादी के बाद भी आनंद को अपना पति कम बॉयफ्रेंड मानती हैं। उनका कहना है, हमारे रिश्ते में दोस्ती पहले है, यही वजह है कि शादी के बाद भी मैं आनंद को बॉयफ्रेंड मानती हूं। सोनम ने कहा, हमारे बीच समझदारी है, जब आप इन चीजों को समझते हैं तो रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। शिल्पा ने कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक फोटो पर शिल्पा ने जवाब देते हुए इसी हैशटैग के साथ लिखा, हे भगवान, मैं नियमित रूप से अपना हेल्थ चेकअप कराती हूं, इसमें इतना हंगामा बरपाने की क्या जरूरत है, और हां, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सैफ के साथ मस्ती करती करीना। करीना कपूर खान इन दिनों लंदन में पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। सोशल मीडिया पर इनकी काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही करीना लंदन में एक एड की शूटिंग भी कर रही हैं, जिसमें करीना के साथ सैफ भी नजर आएंगे। देसी गर्ल बनेंगी अंग्रेज खानदान की बहू। प्रियंका चोपड़ा का नाम पिछले कुछ समय से निक जोन्स के साथ जुड़ रहा है। हालांकि निक ने अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार से अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। बेटी की खुशी के लिए परिवार प्रियंका को बहू बनाने को तैयार है। करोड़ों के मालिक है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन एक एक्टर के साथ सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे हैं। बिना फिल्में किए ही मिथुन हर साल 240 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मिथुन का लग्जरी होटल का बिजनेस है। मिथुन के ऊटी और मसूरी सहित कई जगहों पर होटल्स हैं। मिथुन का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है। वेकेशन एंजॉय कर रही है जानवी। जानवी कपूर फिल्म धड़क के ट्रेलर लॉन्च के बाद वेकेशन एंजॉय करने लंदन गई हुई हैं। जानवी के साथ बोनी कपूर, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर भी मौजूद हैं। लंदन में फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के बाद जानवी धड़क का प्रमोशन शुरू करेंगी। फ्रेंड्स के साथ कोजी होती एमी जैक्सन। एमी जैक्सन ने इंस्टा पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इसमें वो टेरेस पर पूल के किनारे एक फ्रेंड के साथ कोजी होती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में वो काफी बोल्ड लग रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने अपनी ऐसी बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। कोर्ट से रिहा हुए अरमान कोहली। अरमान कोहली को गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। अरमान की गर्लफ्रेंड नीरू ने अपना केस वापस ले लिया, जिसके चलते अरमान को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। स्टूडेंट्स को पार्टी देंगे ऋतिक। ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 में कोचिंग के फाउंडर आनंद कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। ऋतिक IIT की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले छात्रों को एक पार्टी देंगे। इस पार्टी में सिर्फ 26 स्टूडेंट शामिल होंगे। ये सभी सुपर 30 के IIT पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हॉटनेस में सबको पीछे छोड़ती साक्षी। रामानंद सागर की नातिन साक्षी चोपड़ा अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर से साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ न्यूड तस्वीरें शेयर की हैं। महिमा चौधरी का डिफरेंट लुक। महिमा चौधरी की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक इवेंट की हैं, जिसमें वो काफी फिट नजर आ रही हैं। साल भर पहले उनकी कुछ फोटो सामने आई थी, जिसमें वो बेहद मोटी लग रही थी, लेकिन अब उनमें काफी बदलाव आ गया है। सोफी चौधरी का बिकिनी अवतार। सोफी चौधरी अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में सोफी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वो पिंक कलर की बिकनी पहने काफी हॉट लग रही हैं। वो बिकनी में अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर इंटरनेट पर सनसनी मचा रही हैं। लिव इन में नहीं रहेंगी आलिया। आलिया ने कहा, मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं किसी आदमी के साथ रहने के लिए ही उससे शादी करूंगी। मैं लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं जब तक किसी से शादी नहीं करती, तब तक उसके साथ नहीं रह सकती। भावुक हुए सलमान के जीजा। सलमान के जीजा आयुष शर्मा एक्ट्रेस वरीना हुसैन के साथ रेस 3 देखने पहुंचे, लेकिन फिल्म देखते वक्त आयुष इमोशनल हो गए। दरअसल आयुष और वरीना लवरात्रि फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। इसका टीजर रेस 3 के साथ भी दिखाया जा रहा है। जब आयुष ने खुद को बड़े पर्दे पर देखा तो वो भावुक हो गए। प्रियंका ने मारा टशन। हाल ही में प्रियंका निक जोनास के कजिन की शादी में शरीक हुई थी। इस दौरान प्रियंका ने ब्लू कलर की सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी। प्रियंका के हाथ में एक छोटा बैग भी था। इस बैग की कीमत 4,60,000 रुपए है। निक के सामने प्रियंका का टशन देखने लायक था। डांस इंडिया डांस की विनर जिया।
हैदराबाद की जिया ठाकुर ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 4 का खिताब जीत लिया है। जिया ने फिनाले के लिए कड़ी मेहनत की थी, वो अभी 8 साल की हैं। उन्हें इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए मिले हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।